मैं इस समय नागपुर स्टेशन पर हूँ और एक ख़ास तस्वीर आपको दिख रहा होगा। नागपुर एक घड़ी है और डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है, और फिर थोड़ी ही दूर पर एक और डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है जो आपको दिख रहा होगा। तो ऐसी तस्वीरें अमूमन देश में आपको कहीं नहीं मिलेगी। नागपुर है ये बाबा साहब की कर्मभूमि भी रही है, मुंबई कर्मभूमि रही है। वैसे तो उन्होंने आधुनिक भारत तो बनाया, लेकिन नागपुर में विशेष सम्मान है। मैं चाहता था कि देश को ये तस्वीरें मिले देखने के लिए। और जब आप आएंगे यहाँ पर दीक्षा दिवस के दिन, जिस समय बाबा साहब ने नागपुर में 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था और उसकी दीक्षा ली थी, तो ऐतिहासिक रूप से इसको सजाया जाता है और शानदार है। ये इमारत के हिसाब से बात करें तो नागपुर का जो रेलवे का जो ये मेन गेट है वो अद्भुत है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, और अद्भुत है ये। जब आप आएंगे दीक्षा भूमि के समय आप आएंगे तो इसको सजाया जाता है, और डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर है। देश में शायद ही कहीं आपको ऐसा मिले। नागपुर एयरपोर्ट का नाम भी बाबा साहब के नाम पर है, तो अद्भुत है ये। और इसलिए मैं चाहता था कि देश भर के लोगों को पता चले कि नागपुर क्यों खास है। यहाँ रेशमी बाग में RSS का दफ्तर भी है और वहीं बाबा साहब की कर्मभूमि भी रही है। नागपुर को उन्होंने खासकर चुना था और यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो दोनों रूप से ऐतिहासिक है। तो रेलवे स्टेशन भी ऐतिहासिक है, बाबा साहब की तस्वीर लगी है। तो ये बहुजनों का दम है। महाराष्ट्र की धरती पर जब भी आप आएंगे तो चाहे ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, तो एक फर्टाइल लैंड है और बहुजन आंदोलन के लिए काफ़ी फेमस है नागपुर। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ नागपुर से, कि किस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर लगी है, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी है, और ऐसा बिरले ही मिलेगा आपको इस देश में। तो महाराष्ट्र वालों को शुक्रिया कहिए देश भर के लोग, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को भारत को बाबा साहब महू में पैदा हुए, महाराष्ट्र की कर्मभूमि रही, देश भर उन्होंने घूमा, दुनिया देखी उन्होंने, और नागपुर रेलवे स्टेशन ने उनको विशेष सम्मान दिया है। तो भारतीय रेलवे का भी शुक्रिया। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक सरकारीकरण रहेगा तब तक बाबा साहब के अमरत्व के लोग रहेंगे और सरकारी कर्मचारी रहेंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे बहुजनों को ख़त्म किया जाएगा। इसलिए बाबा साहब समाजवाद के पक्षधर थे, बाबा साहब लेफ्टिज्म के पक्षधर थे, लेफ्टिस्ट इंडियन लेफ्टिस्टों के नहीं। तो ये शानदार तस्वीरें दिखा रहा हूँ नागपुर से, और रेलवे का भी शुक्रिया कहिए, नागपुर वालों का शुक्रिया, महाराष्ट्र वालों का शुक्रिया जिसने बाबा साहब को इतना सम्मान दिया है। अभी दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ धम्मचक्र परिवर्तन के 85वीं वर्षगांठ। धम्मचक्र परिवर्तन के दिन हम सबके लिए क्रांतिकारी पर्व है। महामान्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दिन के साक्षी से दलित शोषित एवं बहुजन समाज के जीवन में एक नई सुबह का उदय किया। बाबा की प्रेरणा ज्योत सदा हमारे साथ है, और इस प्रेरणा ज्योत को साथ लेकर हम सब बाबा साहब का सपना साकार करने की शपथ लेते हैं। जय भीम। शिलालेख तो ये लिखा हुआ है और उसके बाद आगे दिखाता हूँ आपको, तथागत बुद्ध की अमर वाणी है ये। तो महाराष्ट्र खास है बहुजन समाज के लिहाज से। महाकालनी तथागत बुद्ध की विचारधारा विश्व शांति की मंगल कामना करती है। प्रज्ञाशील करुणा इसकी बुनियाद है। समता, स्वतंत्रता एवं भाईचारे का महान संदेश तथागत की वाणी में पाया जाता है। इसलिए महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विश्व शांति अग्रदूत भगवान तथागत बुद्ध की अपनी गुरु माना था, तो अपना गुरु माना था। अभिमान है कि हम तथागत के धम्म अनुयायी हैं। महान बौद्ध धम्म का जीवन में अंगीकार कर अपने जीवन सुखी सफल समृद्ध बनाने का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। शिलालेख उद्घाटक माननीय दीवान सिंह गहलोत, स्टेशन मैनेजर नागपुर। तो ये खास है, पूरे देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सोचिए कि जब पूरे देश का ब्राह्मणीकरण किया गया, मनुवादीकरण किया गया, तो नागपुर वो खास धरती है जिसको जिसका बहुजनों ने सम्मान दिया और बाबा साहब की तस्वीर लगी है। और इसलिए मैं कहता हूँ कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, ये नागपुर के हैं आप लोग, मतलब अपना नाम बताइए। मेरा नाम उद्धम राउत है, मैं बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करता हूँ जी। तो ये कब से तस्वीर लगी है बाबा साहब के ऊपर? ये ऊपर तब तस्वीर जब बाबा साहब का जन्म सब 100 साल हुए थे तब लगी थी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ा विरोध हुआ होगा, बड़ा संघर्ष? विरोध वगैरह कुछ नहीं कहते, दीक्षा भूमि यहाँ तो जब संघ भूमि और दीक्षा भूमि दोनों की, इसमें जो दीक्षा भूमि कभी भी जीत हुई है, सत्य की जीत होती है सर जी। नागपुर भी यही है, RSS की यहाँ
हेडक्वार्टर भी है रेशमी बाग, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता होगा लोगों में? नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं है जी। उनमें जो आरएसएस का गढ़ है उनको मालूम है कि जो बाबा साहब का जो बुद्धिज्म है वो वैज्ञानिक तौर पे आधार भी है, और जो अज्ञानता है आरएसएस का वहाँ मनुवाद नहीं चलता सर जी, वहाँ बुद्धिज्म चलता है। और दीक्षा भूमि यहाँ कर्म दीक्षा भूमि यहाँ जो आरएसएस की भूमि उसको कभी भी इन्हें ओवरटेक करके आगे बढ़ाए सर जी। बहुजन समाज यहाँ ताकतवर है, बहुत बहुत बड़ा। और जो बहुजन समाज यहाँ जो अम्बेडकर समाज है, बहुजन समाज के नाम पे नहीं, अम्बेडकर समाज यहाँ बहुत। और लेकिन ये फूले की भी धरती है महाराष्ट्र, ये पूरे फूले साहब अम्बेडकर की भूमि है ये। आप लोग भी बहुजन समाज से? सर मैं नेशनल ड्रामा से हूँ और सांस्कृतिक मंत्री भी हूँ मैं। और कल और मेरा नाम है यशवंत उदयवान निकोसे। तो बाबा साहब की नागपुर के स्टेशन पर एकदम बुद्ध, जब दीक्षा भूमि के समय दीक्षा के दिन एकदम बुद्धमय हो जाता है ये? हाँ बुद्धमय बिल्कुल, पूरा नागपुर, पूरा नागपुर शहर, यानी यहाँ पैर रखने के लिए का। और विशेषता ये है कि यहाँ का जो कुली है, कुली जो यहाँ मैच करता है, वो अपने चंदे से पैसा इकट्ठा करके इसको सजाते हैं, उसको खाना खिलाता है। और खाना सजाता भी है और खाना भी खिलाता है जो बाहर का है, एक जो नागपुर में, नागपुर में यहाँ इसी जगह 1956 में बाबा साहब ने बुद्धम अपनाया था। हाँ जी, 1956 14 अक्टूबर 1956 बौद्ध धर्म की। जब भी मौका मिले नागपुर जरूर आइए, अगर आप दुनिया के किसी हिस्से में रहते हैं। जी जी। और बुद्ध को बाबा साहब ने बुद्धम को अपनाया, बाबा साहब ने बुद्धमय भारत की कल्पना की थी। दरअसल भारत बुद्धमय था, एक साजिश के तहत इसको अनडेमोक्रेटिक किया गया। इस साजिश के तहत खून की होली खेली गई। और जैसे ही भारत से बुद्धमय खत्म हुआ, बुद्ध खत्म हुए, भारत की गुलामी शुरू हो गई। कभी मुगलों की गुलामी, हुन शाक्य की गुलामी, अंग्रेजों की गुलामी, जब तक भारत बुद्ध का भारत था तब तक शक्तिशाली था। सम्राट अशोक से लेकर बृहदत्त मौर्य तक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। घनानंद उसी समय सोने की परत चढ़ी होती थी महलों पर। तो बुद्धमय भारत बहुत विशाल भारत था, कांधार से लेकर। लेकिन जैसे ही बुद्धमय के, तो मैं चलो पास्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बाबा साहब ने फिर उसी एकीकृत भारत की रचना की। आधुनिक भारत के निर्माता थे डॉक्टर अम्बेडकर, और उन्होंने ही भारत को एक किया, रक्तहीन क्रांति करके भारत को एक किया, रक्तहीन क्रांति। नहीं तो भारत रजवाड़ों में बटा था, टोलों टुकड़ों में बटा था, जातियों में बटा था, जाति में तो अभी बटा है। बाबा साहब ने उसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश की, एक संविधान दिया आपको। तो कैसा नागपुर में आप लोग रहते हैं तो आप लोगों को तो प्राउड फील होता होगा? हाँ जी, गर्व है हमें। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है नागपुर में? तो मैं तो एकदम खुश हो रहा हूँ। मैं अम्बेडकर साहब, बाबा साहब के एकदम यहाँ डर नहीं है। आप बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं। रखते हुए क्रांति, और बाबा साहब ने खास करके समता बंधुत्व न्याय की बात की। तो देखिए, ये सिर्फ आरएसएस की रेशमी बाग ही नहीं है, आरएसएस का हेडक्वार्टर नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर उसके समानांतर पैरेलल उससे बड़ी लकीर खींच रहे हैं। तो एकदम बताइए ना थोड़ा सा, 14 अक्टूबर को क्या माहौल होता है नागपुर में? मान का सर जी, देश विदेश से पूरा लोग आता है, मगर जो तुम्हारा जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक उसको कवर नहीं करती सर जी, और सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अपील नहीं की जाती, कुछ नहीं की जाती, फिर भी समाज अपने आप। क्यों सुने, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम लोग अम्बेडकर पर बात कर रहे हैं। तो जब भी आपको मौका मिले तो बताइए। हम ये बताना चाहते हैं, जब दीक्षा भूमि या प्रोग्राम जब होता है तो आरएस का रिले होता है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर वाला कोई भी रिले नहीं करता। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, कोई रिले नहीं करता। चलिए, नागपुर के बारे में अगर आप सिर्फ आरएसएस की वजह से जानते हैं तो अपनी समझ बढ़ाइए। 14 अक्टूबर 1956 वो ऐतिहासिक दिन जब बाबा साहब ने बहुजनों को मुक्ति का मार्ग दिखाया और फिर से बुद्धमय भारत बनाने की कल्पना की, सरोकार किया, और तेजी से भारत बुद्धमय भी हो रहा है। और वही नागपुर की धरती पर हूँ मैं, रेलवे स्टेशन पर हूँ, शानदार उनकी तस्वीरें लगी है। शुक्रिया आप सब लोगों का बात करने के लिए। तो नागपुर से जब भी मौका मिले और धम्म दिवस पर नागपुर जरूर आइए, और बुद्ध में भारत बनाने की तरफ एक कदम आप भी बढ़ाइए। आपका स्वागत। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।